So pull your notes on page number 27, boron family. ठीक है राजे, so boron family दे विच we have boron, aluminium, gallium, indium, helium. So just to repeat, this is your group 13 in the periodic table. General configuration is NS2, NP1. अगर सिर्फ p इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो कॉन्फिगरेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1. अगर तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3. बोरॉन इज फॉर्म्ड ओनली इन +3, एल्युमिनियम इन +3, गैलियम इन +3, ये दोनों च मिलूगा, थैलियम इन मेनली +1 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है राजे, इन्ना तक आपां कर चुके. एक एक्सेप्शन आपां ने कीती सी कि एल्यूमीनियम का साइज गैलियम नालों वड्डा हुंदा. दूसरा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्सपेक्टेडली बोरॉन तो एल्यूमीनियम डिक्रीज हुंदी है, बट उस तो बाद या तो कह लो कि इट रिमेन्स नियरली द सेम, या कह लो कि थोड़ी थोड़ी इनक्रीज हुंदी जांदी है. कोई भी बच्चा सोचे जो एग्जैक्ट वैल्यूज दसूगा बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, 1.5, 6, 7, and 8. ठीक है, आगे बढ़े. सो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स. बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है लिख लो नाल, Al2O3.2H2O. Al2O3.2H2O. क्रायोलाइट लिख लो राजे, Na3AlF6. Na3AlF6. हाँ जी राजे, गैलियम इंडियम एंड थैलियम आर लेस अबंडेंट. हाँ जी, सो हम प्रॉपर्टीज, दे आर नॉट स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव. याद है ना कल अपने एल्यूमिनियम दे हाइड्रोक्साइड नु की लिखा सी कि हुंदा है एम्फोटेरिक. ठीक है ना, देखो आप कहते हैं कि व्हाइल मूविंग राइट इन द पीरियोडिक टेबल द मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस. सो पहला ग्रुप स्ट्रॉन्ग मेटल्स, दूसरा वीक मेटल्स, उसके बाद राजे डी ब्लॉक आ जाएगा 10 एलिमेंट्स, फिर इनका दी बारी आती है. सो बोरॉन तो देखो हैवी नॉन मेटल है, ठीक है, उस तो बाद दे आर मेटलॉइड्स, थैलियम इज अ वीक मेटल. ठीक है, सो देखो दे रेडिली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. हां जी राजे, लाइन च की लिखा है दे रेडिली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. देखो आयोनिक कंपाउंड्स कौन बनाता है, मेटल प्लस नॉन मेटल, तेना कोल मेटालिक करैक्टर इतना वीक है तो दे विल मेनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, दे एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. कर चुके अपन, द एलिमेंट्स फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल हाइड्राइड्स. देखो इसका मतलब क्या है, वैसे तुसी कर चुके हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स तो की मतलब है. इधर देखो राजे, हुन जिवें बोरॉन है, बोरॉन दे आउटर शेल्स देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, और तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करूंगा चाहे एच दे नाल चाहे एफ दे नाल, एंड इट विल फॉर्म BF3. इसको बाद तो देखो नहीं शेयर करन ले, हुन भी ओदे कोल कितने इलेक्ट्रॉन्स होए 6, हले भी उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 2. डन, गल समझ आई कि नहीं रे, हले भी उस दे कोल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इना दे जड़े कंपाउंड्स होते ने दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. हुन देखो जो आप अगले ग्रुप से पहुंचांगे कार्बन को, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल, टोटल 6 होंगे, ये चारों शेयर कर लूगा तो मेरे को कितने हो जाएंगे 8, तो शेल तो कंप्लीट हो गया. ठीक है, बट इन्ना को 3 दे 3 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर शेयरिंग दोस 3 इलेक्ट्रॉन्स दे स्टिल हैव 6, तो दे नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स. डन के नहीं, सो ना आप की टर्म्स दे देने होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, या अपन की बोलते हैं लुईस, हाँ जी रवनीत, लुईस लुईस एसिड्स.
या अपन ऑर्गेनिक एक टर्म होर दिने होने जसप्रीत इलेक्ट्रोफाइल्स अमन इन्हों इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों कहा जाता है फाइल मीन्स लविंग तो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग क्योंकि इन्हों इलेक्ट्रॉन्स की घाट है कमी है यू गेटिंग अ पॉइंट सेम टर्म्स ने लुईस एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल्स क्लियर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आगे हुए These elements form complexes in which the maximum covalency for boron is 4 while 6 for other elements. Either dekho de. So same logic. Hun te aandar sundo. Apane empty d orbitals kitne si na? So hun te aandar dekho. A BF3 ban gaya rade. Apa chemical bonding ch. टाइप ऑफ बॉन्ड कर रहे होते हैं जिसका नेम होता है डेटिव बॉन्ड ठीक है सो फिर की होता है डेटिव बॉन्ड जशन डेटिव बॉन्ड की होता है सुखमन कोई भी बच्चा एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स मिलते तो क्या शेयर कर रहे होंगे डन Dative bond is a type of covalent bond. देखो रे हम ध्यान ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਰੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਦਾ ਡੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗੀ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੂਗੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ BF3 ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋ ਇੱਕ ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੋਚੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਇਸ ਦੇਰ ਵਰ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ ਨਾ NH3 ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ नाइट्रोजन के आउटर शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5 इट नीड्स 3 और इन तीन शेयर कर ले आ एक पेयर भी कोई बचे हुए हैं थोनो नहीं लगता कि अगर ये अपना पेयर बोरॉन दे नाल शेयर कर ले तो नाइट्रोजन को कोई नुकसान नहीं होया देखो और देखो हले भी 8 है 6 प्लस 2 8 बट फ्री फंड के विच बोरॉन का फायदा हो गया ना वो तो 8 कंप्लीट हो गए सो दिस बॉन्ड इज नोन एज A coordinate or dative bond. So, by the definition, we write that a dative bond is defined as a type of covalent bond in which the shared pair of electrons is contributed only by one atom. Done? ठीक है? उन देखो. देखो रे उन्हें कहना क्या चाह रहे हैं? Suppose कोई FOG element आवे, जिधे कोल फ्री दे इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल फ्लोरीन ही लगाओ एक और एक फ्लोरीन दे आउटर शेल विच जसदीप कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेवन है ना सो फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डन सब फ्लोरीन तो रह नहीं सकते और देखो तो पहले ही पूरे सूरे हैं फ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ना तो ये एफ नेगेटिव है और डन के नहीं ਇਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਲੋਰਾਈਡ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 8 ਹੈ ਬੋਰੋਨ ਦੇ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ BF4 ਮਾਈਨਸ ਡਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਕੋਵਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 4 ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹੋ ਰਹਾ ਜਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਅਮਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਰਜੀ ਸਿਕੰਸਰ ਮੋਰ ਆਫ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਹੈ ਸਪੇਸ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਬੌਂਡਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੇਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ
सत्वीर एल्यूमीनियम बोरॉन के नीचे ही है प्रायोरिटी में ठीक है सो उसके आपके शायद तेरे इलेक्ट्रॉन्स ही है डन सो ने तेरे इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दे सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह एक क्लोराइड आया उन्हें अपना एक पेयर शेयर कर लिया डन अब नीचे क्लोराइड हो रहा है यार तेरे होने एल्यूमीनियम उधर नल शेयर करूंगा ये करूंगा क्यों करूंगा दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कीड़े बोले पे सर मीडियम बोले जाएंगे स्पेस है काली स्पेस आने वाले सर इलेक्ट्रॉन क्यों क्यों पे देखो स्पेस से क्या विचार होते पर आप चलते हैं इलेक्ट्रॉन में जाते पूरे करने वाले आप हो गए रहे पूरे सेम तो चीज बनाई है हमने एक बॉन्ड बनूंगा कि नहीं बनूंगा है उलझदा है बात का ना हाँ अश्मित बनूंगा यस सर बनूंगा एमटी डी ऑर्बिटल बिकॉज़ पहली एलिमेंट को एमटी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते वो सिर्फ अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकती है जबकि नीचे वाली एलिमेंट्स को एमटी डी ऑर्बिटल्स होते ने वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं You getting the point? जितना कि देखो, होने होने अपने Lewis acids बड़े, Lewis acids की होंगे ने, जिधर की electrons ले आ सकते हैं, है ना? जिधर electron deficient होंगे ने, खुन जो तो आप अगला group पढ़ाएंगे, आप कहेंगे कि carbon tetrachloride, लक्ष्मी एक Lewis acid है क्या कि नहीं? Electrons ले आ सकता है कि नहीं? है क्या रमीत? नहीं हैगा हाँ जी हम क्लियर कौन करूंगा जसदीप नहीं हैगा क्यों नहीं हैगा रे ओदा ऑक्टेट पूरा है कार्बन है चार इलेक्ट्रॉन से चारों क्लोरीन्स ना शेयर हो गए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन के नीचे सिलिकॉन पड़ी है SiCl4 ए ल्यूइस एसिड हैगा कि नहीं जसदीप ए हले भी है एदा भी ऑक्टेट कंप्लीट है रजे बट इट कैन स्टिल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमटी डी ऑर्बिटल्स गल समझ गए ना ता करके जेडी नीचे वाली एलिमेंट्स है देखो हम आपा कहना की चाहते हैं कि बोरॉन दी कोवेलेंसी रजे मैक्सिमम 4 ही होगी डन जबकि एल्युमिनियम नो डाउट ओदे 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए बट एक क्लोरीन आई उन्हें आपका ऑक्टेट पूरा कर लिया नो डाउट ये तो बनना ही सी बट अगर एक क्लोरीन हो रहा होगी ता भी बॉन्ड बन जू एक क्लोरीन हो रहा होगी ता भी बॉन्ड बन जू ता अपने कोल फॉर्मूला रेडी हो गया AlCl6 ऊपर 3 माइनस ठीक है तीन नेगेटिव था अच्छा जे एक और क्लोरीन आ जाए फिर बॉन्ड बनू के नहीं बनू नहीं बनता ਹੁਣ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਰੀਨਸ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡਨ ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਥੀਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਇਨ ਵਿਚ ਕੋਵਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਫਾਰ ਬੋਰੋਨ ਐਂਡ 6 ਫਾਰ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ AlF6 ऊपर चार्ज ठीक करो 3 नेगेटिव करो कई बच्चे बस कॉपीज जो देख के बोल देते हैं दिमाग में आ गए लगाया करो जी सर ठीक है AlF6 3 नेगेटिव ठीक है ना जी हां जी सो प्रॉब्लम नंबर 1 आप लोगों सबको पता ही है नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सो रे अपने को चार्ट बनया हुआ है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दा इधर भी जो मेजर मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं सुनूं नोट करवाना है उसमें सर्कल कर लियो ठीक है देखो ध्यान ना प्रॉपर्टी नंबर 2 एटॉमिक रेडियस नीचे आते वक्त वादी होती है प्रॉपर्टी ठीक है बट देखो बोरॉन तो एल्युमिनियम गए बाद की सतवीर है लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है हुंदा टॉप टॉप टू बॉटम है अगर इस चीज ना कंफ्यूज हो जी ठीक है इस तरह चार्ट बनया हुआ है हाँ जी राजे बोरॉन तो एल्युमिनियम गए साइज बढ़ गया एल्युमिनियम तो गैलियम आए देखो क्लियर कट दिख रहा है साइज कट गया 143 तो
135, सो इसको एकदम सर्कल करो, 145 टू 135, एक्सेप्शन, ओनली एक्सेप्शन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी 1 वाले पे आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, नीचे आने वक्त राजे आयनाइजेशन एनर्जी कर दी है कि बढ़ दी है, डिक्रीज कर दी है। नीचे आते वक्त आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, देखो ना, है ना। सो देखो, बोरॉन तो एल्यूमिनियम आए, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। की हुंदी आयनाइजेशन एनर्जी जसदीप? जिन्नी एनर्जी अपन देनी होगी, देखो ना लॉजिक से समझा करो, मैं तो देखो मतलब अपने रट्टा नहीं मारना कि आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आते वक्त डिक्रीज करनी। देखो जे तो रट्टा मारना है तो प्रॉपर तरीके से मारो, किदा मेटालिक रिएक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, तो नीचे आते वक्त मेटालिक रिएक्टर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कट होगी, ये प्रॉपर रट्टा है, है ना। हुन लॉजिकली देखो, दिस इज योर मेटल, तुसी इस दे विचो एक इलेक्ट्रॉन करना है रिमूव ताकि ये की हो जाए स्टेबल, 281, ये हो जाए 28, दो मक्खियां हो जाएंगी, पता है, ठीक है राजे, 2.8 क्लियर, डन राजे। जो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो थोड़ा कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पेगी, सो जी एनर्जी दोगे दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। सो एक मेटल की डेफिनेशन की होती है, हाउ डू यू डिफाइन अ मेटल सुपरमैन? विच डिनोट इलेक्ट्रॉन, विच डिनोट एन इलेक्ट्रॉन, विच डिनोट मीन डोनेट, सो विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। देखो नीचे आने वक्त मेटालिक करैक्टर बढ़ूगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ूगी, तो जब लूज वो खुद ही कर रहे हैं तो फिर एनर्जी की देनी पड़ेगी कट। सो जिवें जिवें नीचे आओगे आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। पर फिर देखो, बोरॉन तो एल्यूमिनियम आए डिक्रीज होगी, बट उसके बाद देखो हल्की जी इंक्रीज होगी, क्लियर। उसके बाद गैलियम तो इंडियम गए फिर डिक्रीज होगी, बट उसके बाद फिर हल्की जी इंक्रीज होगी। सो 577 से 79 नु सर्कल कर लो, 558 से 590 नु सर्कल कर लो, बट क्वेश्चन सो साइज टू आऊंगा जरा थ्योरी विच, एमसीक्यू आ सकता है कोई मर्जी, ठीक है। हाँ जी, हम बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आ जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो अपन क्लियरली दिख रहा है जे बोरॉन तो एल्यूमिनियम कट गई, उस तो बाद बढ़ती गई, ठीक है। सो इस ग्रुप दे विच बोरॉन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्लियर, ठीक है। हुन आपां आ जाओ वाई, जिहड़ा सेकंड पॉइंट है एटॉमिक रेडियस वाला, ठीक है। इधर देखो, देखो ध्यान ना समझो रोजे, कि अपने पास बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कि इतने ही एक्सेप्शन क्रिएट क्यों होती है, है ना। थ्योरी में एक क्वेश्चन सुनो आ सकता है कि एल्यूमिनियम ते गैलियम के विचो किदा साइज बड़ा है एंड व्हाई, ठीक है। सो देखो रोजे, जदों पीरियोडिक टेबल साइज घटता है, जे मैं सानू पूछा कि बोरॉन दे मुकाबले कार्बन का साइज एटम का घट होगा कि ज्यादा, रवनीत? बोरॉन के मुकाबले कार्बन का साइज घट होगा या ज्यादा? घट होगा। जो साइज घटना है उसका रीजन की होता है? न्यूक्लियर चार्ज। देखो रवे, ये कोल 5 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 5 प्रोटॉन्स, ये कोल 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। So, जिन्ने नेगेटिव है उन्ने पॉजिटिव है, जिन्ने नेगेटिव है उन्ने पॉजिटिव है, नेगेटिव ते पॉजिटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, इदे मुकाबले इत्थे अट्रैक्शन की होगी ज्यादा, सो साइज घट जूगा, सिंपल फंडा, कोई इजी के नहीं, ठीक है। नाउ हुन बोरॉन दे नीचे पे है जे एल्यूमिनियम, जिदे कोल 13 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 13 प्रोटॉन्स है,
फिर तो बोरॉन के मुकाबले एल्यूमीनियम का साइज काफ़ी छोटा होना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से, बट सुखमन साइज बढ़ जाता है, क्यों राजे? क्वेश्चन समझ आ गया सानू? देखो एदे कोल पांच नेगेटिव पांच पॉजिटिव, एदे कोल एक चार्ज ज्यादा हो गया, चार्ज बढ़ गया ना तो साइज घट गया, फिर तो इतने साइज बहुत ज्यादा घट जाना चाहिए, पर जशन साइज बढ़ क्यों गया? क्योंकि शैल ऐड हो गया। सो पीरियोडिक टेबल दे विच इधर नूं जांदे वक्त शैल तां इहदे सेम ही है ना, देखो 2.3 2.4 2.5 6 7 एंड 8 डन। इत्थे ए सीन सीगा राजे 2 एंड 5 2 एंड 4 ठीक है, जबकि इत्थे की सीन बन गया 2 8 एंड 3 सॉरी 2 एंड 3 है ना, यू गेट द पॉइंट, एक शेल ऐड हो गया। सो जो साइज घटता है किदे करके घटता है? न्यूक्लियर चार्ज। जो बढ़ता है तो किदे करके बढ़ता है? शेल करके। डन। हुन देखो सो अपा एल्यूमीनियम तो गैलियम मूव करना है, एल्यूमीनियम दी एटॉमिक नंबर 13, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 ऐड कर देंगे, कौन बोला 31? गुड है ना, ठीक है राजे। हम देखो कॉन्फिगरेशन ले रहे हैं अपन 1s2, ध्यान ना देखो दिस इज योर न्यूक्लियस, पहला शेल मेरे विच दो इलेक्ट्रॉन्स भरते 1s2 डन, 2s2 2p6 एक शेल बढ़ गया, 2s2 2p6 एकदम साइज बढ़ गया क्योंकि शेल बढ़ गया ठीक है, 3s2 3p6 अगेन शेल ऐड हो गया एंड अगेन देखो 3s1 जो मैं पहला भरिया साइज एकदम बढ़ गया एज तक पहुंच गया, फिर मैं 3s2 पाया शेल तो सेम है ना थोड़ा जहा घट गया, 3p1 3p2 3p3 3p4 3p6 इतने तक आ गया। नाउ उस तो बाद की बारी है 4s2, चौथा शेल आ गया मेरे को 4s1 ते फिर 4s2 डन, साइज अगेन कर गया। हां जी रवि उस तो बाद आया 3p10 ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर रिची एंटर करी गए, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ गया, साइज घटी गया घटी गया घटी गया घटी गया घटी गया एंड आंदे 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 एल्यूमीनियम तो भी साइज छोटा हो गया, यू गेटिंग अ पॉइंट। उस तो बाद 4p1 सो 11 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए बट शेल तो नहीं ऐड होया, तुझे फॉलोड के नहीं करना पल्ले पई गल के नहीं ਰਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਟੌਪਿਕ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ, ਇਹ ਨਾ ਫਿਲਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ, 4s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3d ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4s ਤੇ ਪਾ ਗਏ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਰਲਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਚੈਪਟਰਸ ਬੇਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ, ਡੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ, ਐਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਚਲੋ ਐਫ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ।
डन बच्चे. सो अपना आंसर की होगा कि व्हाई द साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्युमिनियम. कुछ भी नहीं, आप लिखेंगे गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम ड्यू टू द फिलिंग ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर 3D सबशेल. ठीक है, ते दूसरा रीजन आप लिखेंगे द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इज क्वाइट पुअर एज कंपेयर टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स. हेलो, the inner core of gallium contains 10d electrons which do not shield the nuclear charge efficiently because shielding of electrons is in the order s greater than p greater than d. therefore the effective nuclear charge of gallium is more than that of aluminium. hence the outer electrons are attracted more towards the nucleus in case of gallium. so the size of gallium is smaller than that of aluminium. done. hun dekho rahe same cheez samajh aa gayi. we ionization energy zyada kyun hoti hai. dekho jadon aapa kehnde hain ki periodic table ch niche aunde waqt jehda size hai oh vadda hai te ionization energy ghatdi hai, inversely proportional hai. the natural hai jadon size ki ho gaya कट गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी. लॉजिक तुसी सेम लिखोगे, तुसी लिखोगे कि गैलियम दी आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम दे नालों ज्यादा क्यों होती है. ड्यू टू द एंट्री ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर 3D सबशेल. लॉजिक सेम है. ठीक है, हां जी. सो अपने को टाइम दसो कि मैं 58 हो गया. चलो फिर एथो तक तुसी करके आना है. 1 मिनट मेरी गल सुनो. कल जो आने हो तो अगेन वील स्पेंड द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑन एसिड एंड बेसिक रिएक्टर. ठीक है, तो चंगी तरह सारे फिर रिवाइज करके आइए. ठीक है राजी.